हम बताएंगे कि क्षत्रिय क्या होता है, राजपूत क्या होता है। हाल ही में राजस्थान के सीकर से एक मामला सामने आया था, जिसमें बदमाशों ने शादी के बाद उसके घर से विदा होकर जा रही दुल्हन को बीच रास्ते से ही उठा लिया था। इसके बाद से मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी, लेकिन दुल्हन अभी तक अपने घर नहीं लौटी। दुल्हन के इस तरह किडनैप होने से गांव वालों में खासा आक्रोश है। सीकर के नागवा गांव में दो दिनों से राजपूत समाज धरने पर बैठा हुआ है। उदयवाटी विधायक राजेंद्र गुड़ा और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के नेतृत्व में राजपूत छात्रावास के सामने धरना जारी है। इस बीच सुखदेव गोगामेड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बदमाश हमारी दुल्हन को उठाकर ले गए हैं और ये घटना उनके समाज पर डाका है, और जल्द ही पुलिस दुल्हन को बरामद नहीं करती है तो समाज आर पार की लड़ाई लड़ेगा। बहन बेटी की टोली, हमारी टोली उठी है, और मैं आपको बता दूं, जब तक वो हमारी बहन घर नहीं आ जाए तब तक हमें तो हमारी औरतें घरों में बढ़ने नहीं देगी। वो कहते हैं कि आप कोई नाजोगे हो, कुछ कर ही नहीं सकते। हमने कहा है कि हम करेंगे, हमारे पूर्वजों ने किया था और हम भी करेंगे। आज शाम को जो प्रशासन को समय दिया था वो समाप्त हो रहा है। 17 तारीख की नाइट की ये घटना है और कल 20 तारीख को 11 बजे यहाँ कलेक्ट्री पर दो दो हाथ करेंगे, और उसमें पूरे हर श्रव समाज के लोग, 35 कौम के लोग आ रहे हैं। उनको डांटना रोकना हमारे बस की तो बात है नहीं। जो होगा वो माँ भगवती जाने यहाँ सीकर में क्या होगा। पर मैं एक बात बता दूं, इसमें शासन प्रशासन की लापरवाही रही है, 100% रही है। 5 घंटे बाद इन्होंने थोड़ी छोटी मोटी कार्रवाइयां शुरू की हैं, जबकि बारात लूटी गई, टोली लूटी गई और प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठा रहे, ये हो नहीं सकता। मैं हमेशा से कहता हूं करनी सेना को, मीडिया वाले और कहते हैं करनी सेना वाले गुंडे हैं। अरे हम हमारी माँ और बहन की इज्जत बचाने के लिए गुंडे बनना पड़ा तो 1000 भी बनेगा, 1 भी क्यों, 1000 भी बनेंगे आतंकवादी। तो इसलिए मैं ये आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि शासन प्रशासन में हम विश्वास रखने वाले लोग हैं, पर जहाँ शासन प्रशासन विफल हो जाता है वहाँ कानून मजबूरन हमें हाथ में लेना पड़ता है। आज राजनीतिक पार्टियों के, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उनके चमचे दलाल जो हमें हमारे से आकर के भीख मांगते हैं वोटों की, वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे, क्यों आपकी ऐसी में तैसी क्यों नहीं करवा रहे। एक भी राजनीतिक के पार्टी नहीं आई, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई फेसबुक पे लिख रहा है, अरे फिर ट्विटर फेसबुक से ही वोट ले लिया करो। क्यों आपकी ऐसी की तैसी कराने के लिए हमारे घरों में आते हो, कोई नहीं साथ सहयोग दे रहा। पर ये आम जनता है ना, ये एक एक यहाँ की ईंट उखाड़ के ले जाएंगे प्रशासन की। हम बताएंगे कि क्षत्रिय क्या होता है, राजपूत क्या होता है। जिसने देश के लिए, गाय के लिए, मंदिर के लिए बलिदान दिया हो, उसकी खुद की घर की बहन पर आ चाहिए। अरे हम आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हम उन लोगों में से नहीं हैं, पर हमें मजबूर किया जा रहा है। हो सकता है मैं आज 1 घंटे में उनकी 10 डोलियां लूट करके ला करके यहाँ बिठा सकता हूँ, उनको हमारी बहन समझ के, इज्जत से उनको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए। जाट ये समझते हैं क्या कि हम ही यहाँ जिएंगे राजस्थान में? नहीं, ये 35 कौम जिस दिन चाहेगी ना राजस्थान की एक हो गई, उस दिन इनकी राजनीति को उखाड़ करके फेंक देगी। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, शासन प्रशासन से, अरे आंखें खोल लो, हमें हमारी बहन चाहिए, हमारी बहन की टोली चाहिए। नहीं, 1 के बदले 10 नहीं 10,000 भी आएंगी। ये प्रशासन भुक लेना, ये शेखावाटी का युवा नक्सलवाद की तरफ जा रहा है, और इसके लिए पूर्ण रूप से शासन प्रशासन जुम्मेवार है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, ये इसलिए क्या हमारी बहन बेटियों को उठा लो, तुम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम। गौरतलब है कि 16 अप्रैल को नागवा गांव से दुल्हन बनकर जा रही दो बहनों की गाड़ी को बदमाशों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की और एक दुल्हन को अपहरण कर ले गए। इस मामले में दुल्हन की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास कर चुके हैं। इस मामले में पुलिस ने अपहरण में सहयोग करने पर 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लग सकी है।
स्पेशल डेस्क से नवतेज टीवी की रिपोर्ट।